यूं तो हर साल टेलीविजन पर नए शोज आते और जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको कलर्स टीवी पर लॉन्च होने वाले उन 10 अपकमिंग शोज के नाम बताने वाले हैं, जो बहुत ही जल्द आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लॉन्च होते दिखाई देने वाले हैं। तो कौन से हैं वो 10 शोज जो होने वाले हैं कलर्स टीवी पर ऑन एयर, आइए वीडियो को देखते हैं। अपकमिंग शोज की एसएस में पहले शो का नाम है शेरदिल शेरगिल। ये शो परिन मल्टीमीडिया का शो होगा, जो कि इससे पहले पिंजरा खूबसूरती का, इस मोड़ से जाते हैं और कृष्णा चली लंदन जैसे पॉपुलर शोज को लॉन्च कर चुका है। अगर बात करें इस शो की स्टारकास्ट की, जिसके लिए सुरभि चंदना, धीरज चूपर और इकबाल आजाद जैसे पॉपुलर एक्टर्स को फाइनलाइज किया गया है। अगर बात करें धीरज चूपर की इस शो में रोल की, तो धीरज चूपर इस शो में राजकुमार यादव का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो कि इससे पहले कुंडली भाग गया और ससुराल सिमर का जैसे पॉपुलर शोज का हिस्सा रह चुके हैं। जबकि सुरभि चंदना इस शो में मनमीत शेरगिल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगी, जो कि इससे पहले इशबाज और नागिन सीजन 5 जैसे पॉपुलर शोज का हिस्सा रह चुकी हैं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में दूसरे शो का नाम है कसम तेरे प्यार की सीजन 2। अगर बात करें इस शो के सीजन 1 की, जिसमें हमें शरद मल्होत्रा और कृतिका सेनगर की केमिस्ट्री देखने को मिली, जिसने व्यूअर्स के दिलों पर पूरे 2 साल तक राज किया, और फिर ये शो 27 जुलाई 2018 को 123 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। आप इस शो के सीजन 2 के लिए कितना एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में तीसरे शो का नाम है सावी की सवारी। ये शो होगा कलर्स टीवी पर लॉन्च। ये शो दशामी क्रिएशन प्रोडक्शन हाउस का शो है, जो कि इससे पहले मेरे साईं और पूनिया श्लोक आलिया भाई जैसे पॉपुलर शोज को भी लॉन्च कर चुका है। अगर बात करें इस शो की स्टारकास्ट की, तो इस शो की स्टारकास्ट के लिए फरमान हैदर और समृद्धि शुक्ला को फाइनलाइज किया गया है। ये शो कलर्स कन्नांडा के शो मिथुना राशि का रिमेक होगा। अगर बात करें फरमान हैदर की, तो वो इससे पहले रक्षाबंधन, कसौटी जिंदगी के समेत विघ्नार्ता गणेश जैसे पॉपुलर शोज का भी हिस्सा रह चुके हैं। जबकि इस शो में निगेटिव लीड के लिए मांसवी श्रीवास्तव को फाइनलाइज किया गया है, जो कि इससे पहले कुंडली भाग्य समेत दिव्या दृष्टि और इशबाज जैसे पॉपुलर शोज का भी हिस्सा रह चुकी हैं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में चौथे शो का नाम है पिशाचिनी। ये शो एक सुपरनेचुरल शो होगा, जो कि कलर्स टीवी पर लॉन्च होगा। ये शो शकुंतला टेलीफिल्म प्रोडक्शन हाउस का शो होगा, जो कि इससे पहले लक्ष्मी घर आई, शास्त्री सिस्टर्स और ना आना इस ड्रेस लाडो जैसे पॉपुलर शोज को भी लॉन्च कर चुका है। इस शो में हमें नायरा बैनर्जी और जया शंकर जैसे पॉपुलर एक्टर्स इंटरटेन करते हुए नजर आएंगे। आप इस शो को टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में पांचवें शो का नाम है झलक दिखला जा, जो कि करेगा एक नए सीजन के साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वापसी, जिसके जजेस के लिए माधुरी दीक्षित, करण जौहर और नूरा फातेही को फाइनलाइज किया गया है। झलक दिखला जा के कंफर्म कंटेस्टेंट की कंप्लीट लिस्ट हमने एक अलग वीडियो में दे रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में छठे शो का नाम है कुबेरन हाउस स्टार्टअप का बाप। ये शो होगा कलर्स टीवी पर लॉन्च, जो कि सोनी टीवी के शो शार्क टैंक इंडिया की तरह बिजनेस बेस्ड रियलिटी शो होगा। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में सातवें शो का नाम है बिग बॉस, जो कि करेगा 16वें सीजन के साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वापसी, जिसका लास्ट सीजन तेजस्वी प्रकाश ने अपने नाम किया था। आप बिग बॉस के सीजन 16 को टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में आठवें शो का नाम है मौलकी, जो कि करेगा एक नए सीजन के साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वापसी और होगा कलर्स रिश्ते पर लॉन्च। अगर बात करें इस शो के सीजन 1 की, जिसमें हमें रियल माजहा और अमर उपाध्याय जैसे पॉपुलर एक्टर्स इंटरटेन करते हुए नजर आए, ये शो टेलीविजन स्क्रीन पर सिर्फ 1.5 साल तक राज कर सका और फिर 322 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। आप इस शो के सीजन 2 को टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में नवे शो का नाम है बैरिस्टर बाबू, जो कि करेगा एक नए सीजन के साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वापसी और होगा कलर्स रिश्ते पर लॉन्च। अगर बात करें इस शो के सीजन 1 की, जिसमें हमें प्रवेश मिश्रा, औरा भटनागर और आंचल साहू जैसे पॉपुलर एक्टर्स इंटरटेन करते हुए नजर आए,
ये शो भी टेलीविजन स्क्रीन पर सिर्फ 1.5 साल तक राज कर सका और फिर 408 एपिसोड कम्प्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। आप इस शो के सीजन 2 को टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में 10वें और आखिरी शो का नाम है संसार। ये शो 1994 की पॉपुलर फिल्म राजा बाबू का रिमेक होगा, जिसको बालाजी टेलीफिल्म प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करेगा, जो कि इससे पहले नागिन, कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य जैसे पॉपुलर शोज को भी लॉन्च कर चुका है। अगर बात करें इस शो की स्टारकास्ट की, तो इस शो की स्टारकास्ट के लिए पारलवी पुरी, आलोक नाथ, अरुणल रानी जैसे पॉपुलर एक्टर्स को फाइनलाइज किया गया है। फिलहाल अभी इस शो का नाम संसार है, जो कि चेंज भी हो सकता है। आप इस न्यू शो संसार को टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इससे पहले हमने टॉप 12 फ्लॉप शोज ऑफ कलर्स टीवी के ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया है। ऐसी और मजीद अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।